हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वनकम। नॉर्सेट 2021 स्पेशल डेली डोज में फंडामेंट ऑफ नर्सिंग एंड कड़ी में आज हम पढ़ने वाले बच्चों लंबर पंचर, जहां पर प्रोसीजर, इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगा यहां एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आज के बाद हमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट लंबर पंचर से रिगार्डिंग ना मिले। आई होप नेक्स्ट वन आवर की जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो फटाफट इस इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर करें। बबली कश्यप, मुरलीधर, विजय यादव, नीयू मोहम्मद, रशीद खान, मुस्कान, मोनिका, भवानी, नंदनी, सोनू, राजेश, सुनीता, कुमावत, निशा, चेतना, विजेश, योगिता, सच्ची मुच्छी, क्या नाम है बेटा, नावया, ज्योत्सना, दीपक, पूजा, पुष्पेंद्र, ब्रजेश, रुचि, दीपक परमार, जे आई एन सी फेसबुक पेज पे दिव्या शर्मा, खुशबू, कुणाल सिंह पवार, आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ने वाले बच्चों। और हमेशा की तरह क्लास को कैरी ऑन करने से पहले सही दिशा में कदम बढ़ाते चलो, सही दिशा में कदम बढ़ाते चलो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कदम कितने छोटे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कदम कितने छोटे हैं, पर अपने गोल की तरफ बढ़ते चलो। छोटी छोटी कोशिश एक दिन सफल व्यक्ति बनाता है। और माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सही दिशा में कदम बढ़ाते चलो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कदम कितने छोटे हैं, पर अपने गोल की तरफ बढ़ते चलो। और माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपका गोल क्या है? आप सभी का गोल है नॉर्सेट, आपका सभी का गोल है नॉर्सेट 2021, और इस गोल की तरफ बढ़ते चलो। वन डे यू विल बी सक्सीड योर लाइफ, डेफिनेटली वन डे यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ, यू शुड रीच टूवर्ड योर डेस्टिनेशन। तो आपको चलते रहना है, हमेशा कोशिश करते रहना है, कभी हार मत मानना। 30 दिन में 30 दिन पढ़ना ये सबसे बड़ी टास्क होती है, और 30 दिन में 30 दिन पढ़ाना ये उससे भी बड़ी टास्क होती है। डेली वही टाइम, एक नया टॉपिक, एक नया कंटेंट, एक नई एनर्जी और एक नई सोच के साथ हमेशा आपसे मुलाकात करना, यही जिंदगी है बच्चों। और आपको भी इसी तरीके से छोटा छोटा कंट्रीब्यूट अपना करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, कभी एक्सेस टाइम मिले तो ज्यादा पढ़ लिया, बट कंटिन्यूटी बना के रखना है। और कोई भी काम जब हम कंटिन्यूसली करते हैं तो वो सफल उस काम में होना ही है बच्चों। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते हैं। और क्लास से पहले जेएनसी का जो कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है, जहां पर रिकॉर्डेड क्लास है बच्चों, जहां पर रिकॉर्डेड क्लास है और 1000+ वीडियोज है, इसमें कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस, जिसमें रिसर्च है, एडमिन है, एजुकेशन है, फार्मा है, माइक्रो है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ओटी है, आईसीयू है, That means complete nursing syllabus, जहां पर यूनिट वाइज टेस्ट भी है बच्चों, जहां पर यूनिट टेस्ट भी है, यूनिट टेस्ट के अलावा प्रीवियस 5 ईयर के पेपर भी है। और इस कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद 5-स्टार रेटिंग देना है और जरूर लिखें आपके अपने जेएनसी के बारे में, और उसके बाद बाई कोर्सेस पे जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों जिन्होंने रिसेंट में नर्सिंग कंप्लीट किया हो, जीएनएम 3rd ईयर, बीएससी 4th ईयर या पोस्ट बेसिक बीएससी 2nd ईयर में पढ़ रहा हो और आने वाले एग्जाम में अपने आप को प्रिपेयर कराओ। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, क्लास की ओर मूव ऑन करते हैं। और आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट वी कैसे लंबर पंचर। देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, इमेजेस भी हम देखेंगे। और क्लास को कैरी ऑन करने से पहले एक बार लाइक शेयर तो बनता है बच्चों, फटाफट क्लास को एक बार लाइक करें। लगभग 1100+ बच्चे जुड़ चुके हैं
उसके बाद इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं। लाइक इट एवरीबडी, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है साधना रावत, ग्रेट माय डियर, ग्रेट माय डियर, लाइक इट एवरीबडी, राधिका शाबाश। ओके फाइन, आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इन लंबर पंचर निडिल मस्ट बी इंसर्टेड इन, कितना आसान है, इन लंबर पंचर निडिल मस्ट बी इंसर्टेड इन टू सब एरेक्नोइड स्पेस, साइनसस, बॉन, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इजी एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने पूछा कि लंबर पंचर जब भी करते, मैं बता देता हूं बच्चों, जो लंबर पंचर है दैट वी कैन से लंबर पंचर, लंबर पंचर का दूसरा नाम है स्पाइनल टेप, क्या बोलते हैं स्पाइनल टेप, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, स्पाइनल टेप के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, ये लंबर पंचर का दूसरा नाम है बच्चों, लंबर पंचर इज ऑल्सो नाउन एज वी कैन से स्पाइनल टेप। दैट्स ओवर एवरीबडी, थैंक यू धीरज। ओके फाइन, आप सभी ने यहां पर ए आंसर लिखा है, आप सभी ने हमेशा यहां पर ए आंसर लिखा बच्चों, क्या बात है क्या बात है, थैंक यू हेमलता कुमारी, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, जब हम मैनेजर्स की बात करें, जब हम मैनेजर्स की बात करें, मैनेजर्स क्या होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, दैट वी कैन से मैनेजर्स। अब इसी मैनेजर्स की लेयर की बात करें, सबसे पहले हम जब लेयर ऑफ मैनेजर्स या सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजर्स, तो आपको आंसर लिखना कवरिंग ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सबसे ऊपर होता है ड्यूरामेटर, ध्यान से देखना बच्चों, ड्यूरामेटर, दैट मींस दिस इज द ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के बाद में होता है एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड मैटर, और अंदर जो होता है वो पाया मैटर होता है, क्या होता है बच्चों, पाया मैटर होता है, दैट एवरीबडी नो, याद रखिए रहा, इस ड्यूरामेटर का ऊपर का जो स्पेस होता है इसको एपीड्यूरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस बच्चों, एपीड्यूरल स्पेस, ड्यूरामेटर एरेक्नोइड बीच, एरेक्नोइड मैटर के बीच के स्पेस को सब ड्यूरल, सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं बच्चों, और एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच के स्पेस को सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, याद रखना बच्चों, इसी सब एरेक्नोइड स्पेस में कौन प्रेजेंट होता, सीएसएफ, इसी सब एरेक्नोइड स्पेस में कौन प्रेजेंट होता बच्चों, सीएसएफ। एक ये क्वेश्चन आता है कि सीएसएफ जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा, कोरोइड प्लेक्सस राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल में प्रोड्यूस करता है, देन थर्ड वेंट्रिकल, देन फोर्थ वेंट्रिकल, देन सब एरेक्नोइड स्पेस, और सब एरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता बच्चों। ओके फाइन, और जब भी हम पेशेंट को लंबर पंचर करते हैं तो लंबर पंचर करने के लिए निडिल को कहां इंसर्ट करते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस, कहां इंसर्ट करते हैं बच्चों, सब एरेक्नोइड स्पेस। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आपको लिखा होगा एपिड्यूरल, सब ड्यूरल, सब एरेक्नोइड, नन ऑफ दीज, तो आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों, सब एरेक्नोइड स्पेस। ओके फाइन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा लंबर पंचर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1891, पहली बार लंबर पंचर का इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस, जैसे आपके जेआईएनसी जोधपुर ने एमसीक्यू बैच की शुरुआत की इंडिया में, जैसे फाउंडर ऑफ एमसीक्यू बैच जेआईएनसी जोधपुर, ठीक उसी तरीके से लंबर पंचर फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1891 बाय जर्मन फिजिशियन जिसका नाम था हेनरिच, हेनरिच क्वेंके, हेनरिच क्वेंके, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई लंबर पंचर टेक्निक, लंबर पंचर टेक्निक। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फॉर नेक्स्ट एमसीक्यू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच पोजिशन इज गिवन आफ्टर लंबर पंचर, क्वेश्चन यहां पूछा है, क्वेश्चन यहां पूछा है कि आफ्टर लंबर पंचर पेशेंट को कौन सी पोजिशन प्रीफर करते हैं, विच पोजिशन विल एडमिनिस्टर आफ्टर लंबर पंचर, साइड लाइन, ध्यान से देखना बच्चों, साइड लाइन, देन चिन एट चेस्ट, चिन एट चेस्ट, then supine position, then supine position, then bowed backed position, बच्चों चार ऑप्शन आपके सामने पुट किया, ध्यान से देखना,
चार ऑप्शन फाइंड आउट किए आपके सामने है कि कौन सी पोजीशन देते हैं लंबर पंचर करने के बाद, लंबर पंचर के बाद पूछा है। क्वेश्चन को थोड़ा समझना रे बदमाश बच्चों, जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी मत करना, क्यों ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ज्यादातर बच्चों ने सुपाइन लिखा, बट कुछ बच्चों ने साइड लाइन भी लिखा है, साइड लाइन भी लिखा है। सोच समझ के आंसर पुट करना। विच पोजिशन इज गिवन आफ्टर लंबर पंचर, कौन सी पोजिशन है लंबर पंचर के बाद देना चाहिए, एलपी करने के बाद देना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा। शाबाश शाबाश, ए भी लिखा है बच्चों ने, बी भी लिखा है, सी भी लिखा है, बस डी बचा है, डी भी लिख दो, डी बचा हुआ डी भी लिख दो, फिर उसको क्यों छोड़ रहे पीछे। क्या बात है, क्या बात है, हाँ मिक्स वेज बना दिया। अरे बदमाश बच्चों, पूछ रहा हूं आफ्टर, पूछ रहा हूं ड्यूरिंग और बिफोर एक ही पोजिशन देते, ध्यान रखना। ड्यूरिंग लंबर पंचर और बिफोर लंबर पंचर एक ही पोजीशन देते हैं। मैंने पूछा आपसे लंबर पंचर करने के बाद, लंबर पंचर करने के बाद कौन सी पोजीशन, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ओके फाइन, जिन्होंने भी यहां पर सुपाइन पोजीशन लिखा है, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। एक्चुअली सुपाइन पोजीशन जो है ये क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट हेडेक, क्योंकि सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे तो सीएसएफ लीक आउट होगा और हेडेक होगा पेशेंट को, क्योंकि वॉल्यूम जो है अल्टर्ड होगा, और यहां पर सुपाइन जो है स्प्लिंट का काम करता है, सुपाइन पोजीशन हम प्रीफर करते हैं। एग्जैक्ट आंसर है, यदि आपसे जब भी पूछे कि आफ्टर लंबर पंचर, लंबर पंचर के बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देना है, तो आपको आंसर लिखना बच्चों सुपाइन पोजीशन। ओके फाइन, मैं कुछ पोजीशन के बारे में बनने वाले क्वेश्चन यहां पर आपको डिस्कस करता हूं। टू प्रिवेंट लीकिंग ऑफ द सीएसएफ फ्रॉम द पंचर साइड इन टू द टिश्यू, ये पर्पज है बच्चों। मैंने कहा था ना सुपाइन पोजिशन वर्क करता है एज ए स्प्लिंट, एज ए स्प्लिंट, स्प्लिंट का काम करता है। आपको याद है, आपने पढ़ा होगा बच्चों लीवर बायोप्सी, आपने पढ़ा होगा लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी के बाद में यदि हम बात करें, आफ्टर लीवर बायोप्सी की बात करें, तो राइट साइड, राइट साइड लेटरल या राइट लेटरल, वी कैन से राइट लेटरल पोजिशन देते हैं। और वहां राइट लेटरल पोजिशन देने का पर्पज क्या होता था, वहां पर भी लंबर पंचर जा से किया उस साइड को स्प्रिंट का काम करती है पोजीशन। यहां पर भी सेम प्रोसेस है, यहां पर भी सेम प्रोसेस है कि सुपाइन पोजीशन से लीकिंग ऑफ सीएसओ को प्रिवेंट किया जा सकता है, और लीकिंग ऑफ सीएसओ को प्रिवेंट करेंगे तो पेशेंट को हेडेक नहीं होगा, पेशेंट को हेडेक नहीं होगा बच्चों। हियर यू कैन सी, ये है पोजीशन जो दिख रहा है, दैट वी कैन से ड्यूरिंग, दैट वी कैन से ड्यूरिंग और बिफोर, ये क्वेश्चन देखना बच्चों, ड्यूरिंग एंड बिफोर लंबर पंचर, लंबर पंचर करने से पहले, लंबर पंचर करते समय, लंबर पंचर करने से पहले और लंबर पंचर करते समय जो पोजीशन हम प्रीफर कर रहे हैं, दैट वी कैन से। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, लंबर पंचर उसका नाम है स्पाइनल टेप। मेन पर्पज यहां क्या लिखा है, सीएसएफ को रिमूव करने के लिए, सीएसएफ को रिमूव करने के लिए, सीएसएफ के प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए, मेनिनजाइटिस का पता लगाने के लिए, बहुत सारे पर्पज आगे पढ़ेंगे बच्चों। मैं लिखा बिफोर एंड ड्यूरिंग, आपको आंसर पूछे तो आपको लिखना है साइड लाइन। लंबर पंचर करने से पहले, लंबर पंचर करते समय कौन सी पोजीशन, आंसर क्या लिखा साइड लाइन। अब इसी साइड लाइन पोजीशन को अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते, साइड लाइन पोजीशन को अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते माय लविंग फाइटर्स। हियर यू कैन सी बाउड बैक, बाउड बैक को मतलब होता है वापिस झुका हुआ, इस तरीके से झुका हुआ जो पोजीशन होता है उसको बाउड बैक बोलते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जैक्टली बाउड बैक जो है हम ओबीजी में पढ़ते हैं, यहां पर बाउड बैक का मतलब होता है वापिस झुका हुआ, दैट पोजीशन विल एडमिनिस्टर ड्यूरिंग वी कैन से लंबर पंचर। देन लिखा बच्चों चिन एट चेस्ट, चिन एट चेस्ट, यू कैन सी एवरीबॉडी, देखिए डिफरेंट नाम से प्रोनाउंस कर रहा हूं, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आता है तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी, दूसरा लिखा बच्चों फ्लेक्स्ड नी, फ्लेक्स्ड नी, देखिएगा नी फ्लेक्स्ड है चिन चेस्ट पे, और पेशेंट को ऑलमोस्ट शी शेप या फैटल एटीट्यूड, शी शेप या फैटल एटीट्यूड। देखिए बहुत सारे नाम मैंने यहां पर पुट किए हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना बदमाश बच्चों, तो सीधा क्या बोलता है, बिफोर ड्यूरिंग कौन सी पोजीशन देते हैं, बाउड बैक क्या है, साइड लाइन, चिन एट चेस्ट, फ्लेक्स नी, शी शेप, फैटल एटीट्यूड, ये सभी एक ही नाम है, सभी में लेफ्ट या राइट, ज्यादातर हम बच्चों को प्रीफर करते हैं अपनी तरफ, राइट लेटर, च,
चिन और चेस्ट की तरफ होगा, नी फ्लेक्स होगा, सी शेप पोजिशन होगा। और आई होप कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछे हैं कि बिफोर एंड ड्यूरिंग लिवर, सॉरी बिफोर एंड ड्यूरिंग लंबर पंचर विच पोजिशन विल एडमिनिस्टर, विच पोजिशन विल एडमिनिस्टर, विच इज योर आंसर। आपको इनमें से जो भी आंसर मिले आप राइट आंसर पुट कर सकते हैं बच्चों। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आफ्टर जब भी पूछेंगे कि आफ्टर लंबर पंचर, आफ्टर लंबर पंचर जब भी पूछेंगे तो आपके पास ऑप्शन है बच्चों सुपाइन पोजिशन। क्या लिखोगे? सुपाइन। क्यों लिखता है? टू प्रिवेंट लीकिंग ऑफ सीएसएफ, टू प्रिवेंट लीकिंग ऑफ सीएसएफ। दैट्स गेटिंग एवरीवन? ओके फाइन, स्वागिता वेरी गुड इवनिंग बच्चा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंचर, ध्यान से देखना बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंचर पूछा जा सकता है, कभी कभी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया पूछा जा सकता है, स्पाइनल एनेस्थेसिया पूछा जा सकता है। यह भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, यह भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंचर या विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया। ध्यान से देखना, मैं लिखा बैक पेन, बी में लिखा हेडेक, सी में लिखा ब्लीडिंग, डी में लिखा ब्रेन स्टीम हर्निएशन। चार ऑप्शन आपके सामने, विच इज द राइट आंसर। मैं बता देता हूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से, और सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि किसी भी पेशेंट को लंबर पंचर किया है तो लंबर पंचर के बाद में पेशेंट को क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। थैंक यू धीरज सिंह ठाकुर, थैंक यू माय डियर। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने, लगभग 99% बच्चों ने यहां पर हेडेक लिखा। देखिए मैं हिंट देता हूं, आपने पेशेंट को क्या किया बच्चों, लंबर पंचर, डेफिनेटली बैक पेन होगा। बैक पेन का रीजन क्या होगा? ड्यू टू इंजरी इन टिश्यू, क्योंकि आपने नीडल को इंसर्ट किया, जब नीडल को इंसर्ट करोगे सेल और टिश्यू डैमेज होंगे, और सेल और टिश्यू डैमेज होंगे तो पेशेंट को बैक पेन होगा, ये होगा। चारों कॉम्प्लिकेशन लंबर पंचर के है, बट मैंने आपसे पूछा बच्चों मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, चारों ही राइट है। बट व्हाट आई आस्क माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने आपसे पूछा था कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, बी में लिखा हेडेक जो है ये लीकिंग ऑफ सीएसएफ की वजह से हो सकता है, या रिमूवल ऑफ सीएसएफ की वजह से होगा हेडेक, ब्लीडिंग हो सकता है एट द पंचर साइट, और ब्रेन स्टीम हर्निएशन टू शिफ्टिंग ऑफ द सेल और टिश्यू। भाई जहां से सीएसएफ निकला वहां कौन शिफ्ट हो गया, सेल एंड टिश्यू शिफ्ट हो गया, और क्या कॉज हो गया? हर्निया का मतलब प्रोट्रूशन ऑफ ऑर्गन। जैसे सीएसएफ निकला, जगह खाली हुआ, सेल और टिश्यूज वहां पर शिफ्ट हो गए, दैट कैन कॉज ब्रेन स्टीम हर्निएशन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा हेडेक, अकर ड्यू टू लीकिंग ऑफ सीएसएफ फ्रॉम द पंचर साइट इनटू द टिश्यू अराउंड इट। और याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको इसी तरीके से शिद्दत से मेहनत करना है, और आपको अपने मां बाप के सपने को पूरा करना है, नॉर्सेट 2020 बहुत करीब आ रहा है, आपको हार्डवर्क को कंटिन्यू बनाए रखना। इसी बात पे एक कहानी आपको सुनाता बच्चों कि मां बाप का सपना क्या होता है और मां बाप के सपने को किस तरीके से जिया जाता है। एक बार ध्यान से सुनना बच्चों, एक बार एक दोस्त अपने बहुत ही बेस्ट फ्रेंड के घर पे पहुंचता है, और उसका जो दोस्त है, जो बेस्ट फ्रेंड था, वो मोबाइल चलाने में बहुत ही अडिक्ट था। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसा कोई अकाउंट उसने नहीं छोड़ा जहां पर वो मीडिया में लगातार बना हुआ नहीं था। एक बार वो दोस्त अपने दोस्त के घर पे जाता है, और घर पे जाके घर की वो जर्जर हालत देखता, उसकी एक बूढ़ी मां जो बीमार रहती है, उसके बाप, उसके पिताजी जो फैक्ट्री में मजदूर का काम करते, और दोस्त जब उसके घर पे पहुंचता है तो उसे अपने दोस्त से पूछता है कि यह तेरा घर है? बोलता हां मेरा घर है। कि तू यहां रहता है? हां बोलता मैं यहां रहता हूं।
तेरे घर 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 की हालत इतनी जर्जर, इतना मतलब जर्जर हो रखा तेरा मकान? बोलता हाँ हो रखा है। और तू दिन भर बैठ के मोबाइल पे टाइम पास करता है, तू दिन भर बैठ के मोबाइल पे टाइम पास करता है, और ये तेरे घर की स्थिति, और तू इकलौता बेटा अपने बाप का। पंकज गौतम डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू पंकज। तू इकलौता बेटा अपना बाप का, तेरे को पता तेरा बाप कितनी मेहनत करता है? बोला हां पता है, मेरा बाप कमा रहा है। और किस लिए कमा रहा है? मेरे लिए कमा रहा है। तो उसका दोस्त क्या बोलता है, चल मेरे साथ। वो उस जर्जर हालत मकान में रहने वाला उसका दोस्त, जिसको लेके उसका दूसरा दोस्त वहां पहुंचता है जहां उसका बाप काम करता है। और जैसे ही वो उसको लेके वहां उस फैक्ट्री में पहुंचता है, उसके पिताजी पसीने से तप तप हो रखे और थक हार के बैठे हुए एक दूसरे मजदूर को क्या बोलते पता है? क्या बड़ी मुश्किल से भरण पोषण होता है, मुश्किल से पेट भरा जाता है, इस कमाई से काम चल नहीं रहा है, बट पता है मेरा बेटा मेरे सपने को पूरा करेगा, मेरा बेटा मेरे सपने को पूरा करेगा, मेरी एक और लास्ट वही उम्मीद है। कौन सा बेटा? जो मोबाइल चला रहा था। जब ये उसका पिताजी, उसका बाप दूसरे मजदूर से बात कर रहा था, जो दोस्त उसको लेके आया तो उसको सुना रहा है कि सुन तेरे बाप का सपना क्या है, तेरा बाप क्या सपना देखता है? कि बाप सपना देखता है कि जिस दिन मेरा बेटा ये बड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा मेरे सपने को हकीकत में बदलेगा। और जब उसने सुना कि अपने बाप का सपना क्या है, उसके खून के आंसू आने लगे और एक अंदर से आग जगी कि यस, अब तो मुझे अपने बाप के लिए कुछ करना है। और उसी दिन से उसने मीडिया के उस सारे अकाउंट बंद कर दिए और घर जाकर के 10-10 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और उसी ईयर में, उसी सेशन में, वो उस जर्जर हालत के घर में रहने वाला दोस्त, वो मोबाइल का एडिक्टेड पर्सन, उस साल के सेशन में 12th में पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक लेके आया। तो मीडिया वालों का जमावड़ा हुआ और मीडिया वाले आगे पूछे कि ये कैसे मुमकिन हुआ? बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना था, बस उस सपने को पूरा करने की जिद में मैंने 10-10 घंटे पढ़ाई की और ये उसी का नतीजा है, ये उसी का नतीजा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपके भी मां बाप ने सपना देखा होगा, आपके भी मां बाप उस जर्जर हालत के घर में रहते होंगे, उनका भी सपना है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरे सपने को पूरा करेगा। और आज से ही लग जाओ अपने मां बाप के सपने को पूरा करने के लिए, वही 10 घंटे स्टडी और अपना सपना नॉर्थ सेट 2021 है बच्चों, नॉर्थ सेट 2021, जहां पर सेलेक्ट होने के बाद उन मां बाप के सपनों को पूरा करेंगे और उनको एक खूबसूरत लाइफ देंगे। यस वी आर देयर, दैट यू शुड नीड टू बी डू, दिस इज फॉर यू, यू शुड डू, यू हैव कैपेबिलिटी, व्हेन यू डिसाइडेड नोबडी कैन स्टॉप यू, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों, दिस इज फॉर यू एवरीबडी, दैट डेडिकेटेड टू एवरीवन, टू एवरी मदर एंड फादर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी, here you can see in a lumbar puncture needle is inserted between, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है और बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या कहते हैं, लंबर पंचर निडिल इज इंसर्टेड बिटवीन। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब भी हमें लंबर पंचर की साइड पूछते हैं और एज ग्रुप नहीं दिया होता है तो हमें कौन से एज ग्रुप को कंसीडर करना होता है बच्चों, एडल्ट को कंसीडर करना। कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जहां पर एज ग्रुप नहीं दिया होता है और हमें एग्जैक्टली आंसर पुट करना होता है, तो हम एडल्ट के पैरामीटर को मानते हैं। ध्यान से रखना बच्चों, एडल्ट के पैरामीटर को मानते हैं। तो यहां बोला कि इन लंबर पंचर निडल इज इंसर्टेड बिटवीन L3, L4, L1, L2, L4, L5 और L2, L3। थोड़ा सोच के आंसर देना, जल्दीबाजी मत करना। मैंने यहां पर जहां भी एज ग्रुप नहीं पुट किया होता बच्चों, वहां पर हमें अडल्ट के पैरामीटर को कंसीडर करना पड़ता है। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1900 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों फटाफट क्लास को लाइक करें, क्यों? टेररिस्ट आ चुके हैं, जेएनसी आर्मी थम दिखाए और टेररिस्ट को जवाब दे कि यस वी आर देयर, डू इट एवरीबडी, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच निशा,
निशा शाह. विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी, ए बी सी डी. मैक्सिमम बच्चों ने यहां पर जो आंसर पुट किया है, मैक्सिमम बच्चों ने ए आंसर पुट किया. यस, डेफिनेटली ए आपका राइट आंसर है. याद रखना बच्चों, एज ग्रुप नहीं दिया हुआ है, आपसे आंसर पूछा है, आपने लिखा है एल थर्ड एल फोर. एग्जैक्टली कभी कभी एज ग्रुप दे देते हैं, अडल्ट का पूछे तो आपके पास एल थर्ड और एल फोर्थ लिखा हुआ है, एल थर्ड एल फोर्थ लिखा हुआ है. वहीं आपसे चिल्ड्रन का पूछे, वहीं आपका चिल्ड्रन का पूछे, तो याद रखना बच्चों यहां पर एल फोर और एल फाइव को कंसिडर करना, एल फोर और एल फाइव को कंसिडर करना. ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जहां एज ग्रुप हमें दे देते हैं. जब चिल्ड्रन का एज ग्रुप हमें दे दिया तो बच्चों हमें L4 और L5 लिखना है, और जहां एज ग्रुप नहीं दिया या अडल्ट लिखा होता है वहां L3 और L4 लिखा. इसके पीछे एक थ्योरी है बच्चों कि हम इस साइट को ही क्यों प्रिफर करते हैं, व्हाई वी शुड सेलेक्ट L3 L4, व्हाई वी शुड सेलेक्ट L4 और L5. आई विल गिव रैशनल कि हम क्यों इसी साइट को प्रिफर करते हैं. देखिएगा इस साइट को प्रिफर करने के पीछे क्या रिजल्ट है. यहां पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रहा होगा. देखिए बच्चों, ये जो है ये सेक्रम बोन है, ये जो है ये कॉकिक्स है, दैट यू कैन सी एवरीवन. ये आपका सेक्रम है, ये आपका कॉकिक्स है, ये वन और ये टू, ये दो इनडोमिनेटेड बोन है, ये दो इनडोमिनेटेड बोन है बच्चों. और ये जो पोर्शन है दैट वी कैन सी इलियक क्रस्ट, इलियक क्रस्ट बोलते बच्चों, क्योंकि वन इनडोमिनेटेड बोन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, इलियम इशियम और प्यूबिस, इलियम इशियम और प्यूबिस. अब आप देखेंगे सेक्रम के बाद में ये जो दिख रहा है वन टू थ्री फोर फाइव, ये चार जो बोन है, सॉरी पांच बोन है, वो लंबर है. और एग्जैक्टली इस इलियक क्रस्ट को एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट को जब हम मिलाते हैं तो यहां पर कौन आता है बच्चों, एक जॉइंट आता है बिटवीन एल फाइव और एल फोर, एल फाइव और एल फोर. बट हमें कहां इंसर्ट करना था, बिटवीन एल थर्ड और एल फोर. हमें कहां L3 और L4 के बीच में नीडल को इंसर्ट करना है, क्योंकि जब भी हम पेशेंट की साइट को डिटेक्ट करते हैं तो हमें पहले क्या करना होगा, जब पेशेंट को सी शेप पोजीशन देते हैं, सी शेप पोजीशन देते हैं, तो हमें इलियक क्रस्ट का जो टॉप पार्ट होता है, सुपीरियर इलियक स्पाइन जो होता है, वहां से दोनों इलियक क्रस्ट पे एक लाइन ड्रॉ करना होता है. लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें ज्वाइंट को डिटेक्ट करना पड़ता है, हमें ज्वाइंट को डिटेक्ट करना पड़ता है और हमें पुट करना होता है एग्जैक्टली L3 और L4. क्यों, देखिएगा इस पिक्चर को देखिएगा. आपने एक नाम सुना होगा बच्चों कॉर्नस मेडुलरी, एक नाम सुना होगा सपोज स्पाइनल कॉर्ड. ध्यान से देखना बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड सुना होगा, स्पाइनल कॉर्ड सुना होगा. एग्जैक्टली हम देखें, एग्जैक्टली हम देखें, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड का एंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्नस मेडुलरी. क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्नस मेडुलरी. ध्यान से देखना बच्चों, कॉर्नस मेडुलरी. याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये जो मेल में, मेल में 45 सेंटीमीटर होता है, लेंथ बता रहा हूं, और फीमेल की हम बात करें तो 43 सेंटीमीटर होता है. मैं स्पाइनल कॉर्ड के एज के अकॉर्डिंग, सॉरी मेल और फीमेल में लेंथ आपको पुट किया है, मेल में 45 सेंटीमीटर होता है और फीमेल में 43 सेंटीमीटर होता है. जहां स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है ना बच्चों, ये एंड कहां पर होता है, ये लंबर वन पे एंड होता है, लंबर वर्टिब्रा जो वन है वह एंड होता है. एग्जैक्टली एंड कहां होता है, लंबर वन पे एंड होता है, और मैक्सिमम हम कंसिडर करें तो लंबर टू तक मान सकते हैं, बट एग्जैक्टली जो है एंड कहां होगा, लंबर वन पे आपका कौन एंड हो रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नस मेडुलरी. क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्नस मेडुलरी. और यदि हम एल टू के आसपास पुट करें तो ये कॉर्नस मेडुलरी इंजर्ड हो सकता है, कॉर्नस मेडुलरी इंजर्ड हो सकता है, तो इसीलिए हम एल थर्ड और एल फोर्थ को प्रीफर करते हैं. ध्यान से सुनना, इसीलिए एल थर्ड और एल फोर्थ को प्रीफर करते हैं, उन दोनों के बीच में निडल को इंसर्ट करके दैट वी कैन सब एरेक्टोइड स्पेस में पुट करते हैं. तो ये रीजन है कैनस कॉर्नस मेडुलरी को डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए एल थर्ड और एल फोर्थ को प्रीफर करते हैं, क्योंकि एल वन तक ये एंड होता है, L1 तक ही एंड होता है. तो यदि आपसे कोई पूछे कि आपसे पूछे कि हम L3 और L4 को ही क्यों प्रीफर करते हैं, L3 और L4 को क्यों प्रीफर करते हैं, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द कॉर्नस मेडुलरी, बिकॉज़ कॉर्नस मेडुलरी विल एंड ऑन द लेवल ऑफ L1, इट एंड एट द लेवल ऑफ L1, देन वी शुड प्रीफर
एल थर्ड और एल फोर, दैट्स गेटिंग एवरीबडी? ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को पूछा जाता है. ओके फाइन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वी क्रॉस 2000 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जे आई एन सी जोधपुर. ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले, एक जो 7 जून को जे आई एन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक नई शुरुआत हो रही, 7 जून को जे आई एन सी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जो जे आई एन सी का नया यूट्यूब चैनल है, जे आई एन सी का पेरेंट यूट्यूब चैनल है जे आई एन सी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बच्चों, और वहां पर 7 जून को शाम को 5 बजे फ्री में बीएससी नर्सिंग करने का सुनहरा मौका. हेलो डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गेट रेडी फॉर बिग सरप्राइज, गेट रेडी फॉर बिग सरप्राइज ऑन द 7th of June, 7th of June एग्जैक्टली 5 PM. और बच्चों बताना चाहता हूं, फ्री में बीएससी नर्सिंग इंडिया में कहां से होता है, कितनी सीट्स होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये 7 जून को बताएंगे आपको. और 7 जून के बाद इसी चैनल पे डेली फ्री लाइव क्लासेस होगा बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से. अनाउंस कर दीजिएगा जेएनसी परिवार का एक और नया धमाका, जो नई जनरेशन है, जो नया फ्यूचर है नर्सिंग का, 12th के बाद में नर्सिंग करने का सपना जिन्होंने देखा है, वहां से फ्री में क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएगी जेआईएनसी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस यूट्यूब चैनल से. बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. आप जब जेएनसी ई नर्सिंग को ऊपर स्क्रॉल करोगे तो नीचे पेरेंट्स चैनल में आपको यह चैनल दिखेगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस से रिगार्डिंग अपडेट और एंट्रेंस में आपको प्रिपरेशन के लिए किस तरीके के क्वेश्चन और टीम जेएनसी आपके सामने होगी 7 जून को, कि फिजिक्स कौन पढ़ाने वाले, बायोलॉजी कौन पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री कौन पढ़ाने वाले, तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ऑनलाइन कोर्स क्या होगा. मिलेंगे 7 जून को शाम को 5 बजे. अनाउंस कर दीजिएगा आसपास के सराउंडिंग पीपल को कि अब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस फ्री में कैसे की जाए, ये आपका जेएनसी बताएगा बच्चों. ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सी फर्दर. एक इंपॉर्टेंट इमेज आपके सामने पुट किया बच्चों, मुझे आप इस इमेज को देख कर इसका नाम पुट करिएगा. मैं पहले बता देता हूं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्विक आपको इस इमेज को देख के आंसर पुट करें. फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपके सामने मेरी इमेज पुट किया है, आप इमेज को देखें आंसर पुट करें, इमेज को देखें आंसर पुट करें बच्चों. आई वॉज क्लियरली मेंशन हियर, दिस इज द निडल, हाउ टू यूज. थैंक यू एसके, डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं बच्चों के, एलपी निडल लिख रहा है कोई, स्पाइनल निडल लिख रहा है. और मैं बता देता हूं बच्चों, जिन्होंने भी ये लिखा है, शायद हो सकता है ये 100% रॉन्ग हो सकता है आपका आंसर, 100% आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है. देन यू शुड ट्राई टू नो. कुछ बच्चों ने सही आंसर भी लिखा है, ये गलती कर दी बच्चों आपने, आज गलती कर दी, डांट पड़ेगी. देखिए बदमाश बच्चों, बिना देखे कॉपी पेस्ट मत करना, इस इमेज को देखना. हियर यू कैन सी, इस इमेज को ध्यान से देखना. मैं हिंट देता हूं, इसके द्वारा कैथेटर को इंसर्ट किया जा सकता है, सब्सटेंस को डिलीवर किया जा सकता है, और इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ एमसीक्यू है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एमसीक्यू है, जो कई बार ये इमेज आ चुकी है, डेली एम्स का बड़ा फेवरेट है. अब आंसर सही आने लगा. टोही निडल, भगवान मीना, क्या बात है मेरा बच्चा, शाबाश, फंटास्टिक. टोही निडल बोलते हैं बच्चों, और अगेन बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टोही निडल, द निडल वेरी स्लाइटली कर्ड, सो में आप यहां पर देखोगे, यहां पर स्लाइटली कर्ड होगा, एट एंड सुटेबल फॉर द इंसर्शन ऑफ एपिड्यूरल कैथेटर, इट यूज इन द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू बच्चों. तो ही निडल है, इसको इंसर्ट करते हैं हम यहां पर भी बच्चों, एल थर्ड और एल फोर्थ के बीच में इंसर्ट करते हैं. इंसर्ट करने के बाद इसमें कैथेटर को पुट किया जाता है, और कैथेटर से हम एनेस्थेटिक एजेंट को डिलीवर करते हैं, और ये ज्यादातर हम स्पाइनल एनेस्थेसिया में, स्पेशली एपिड्यूरल. मैंने आपको बताया ना बच्चों, एपिड्यूरल कहा था,
जस्ट अबोव द ड्यूरा मेटर, जस्ट अबोव द ड्यूरा मेटर, दैट इज अ ड्यूरा मेटर, एरेक्नोइड मेटर और पाया मेटर, मैंने आपको बताया द निडल वीकेंसी टोही निडल। और इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते बच्चों, टोही निडल का इमेज इमेज एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने कहा ना, थोड़ी थोड़ी आदत खराब हो रही है, फिर कॉपी पेस्ट करने लगे, क्यों ज्यादा फ्लो देख के मन विचलित हो रहा आपका, क्यों ज्यादा फ्लो देख के मन विचलित मन करे, अपने मन की सुने बच्चों, आपका मन क्या कह रहा है। क्योंकि मैंने कहा था ट्रिकी है, वहां कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको कोई नहीं कहेगा ट्रिकी है, सीधा बोलेंगे आप आंसर लिखे, बट आपको ट्रिकी आंसर को डिटेक्ट करने की आदत में थोड़ा और सुधार करना होगा बच्चों। एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि 17 टू 18 गॉड्स साइज पूछे, तो 17 टू 18 गॉड्स का, और 17 टू 18 नहीं लिखा होता तो हम 16 को भी प्रीफर कर सकते हैं, हम 16 को भी प्रीफर कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली 17 टू 18 गॉड्स का निडल हम यूज करते हैं, दैट वीक एस ए टोही निडल, दैट वीक एस ए टोही निडल। 17 18 नहीं तो 16 तक हम कंसिडर करते हैं बच्चों, 16 तक हम कंसिडर करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से। ओके फाइन, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, कॉपी पेस्ट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना बच्चों, हमें अपना खुद का सोच का जवाब खुद को ही देना बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट निडल को देखिएगा। अब यदि आप आंसर लिखोगे तो मैं आपको शायद नहीं डांटूंगा, नेक्स्ट निडल लिखिएगा बच्चों, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रूमेंट, फाइंड आउट इट एवरीबडी। अब आपका आंसर सही होगा, डेफिनेटली, पुट द राइट आंसर एवरीवन। इस इमेज को देख के आप आंसर पुट करेगा, ये पेशेंट को निडल को इंसर्ट करने के बाद में रिमूव किया जा रहा है कैथेटर को, जो निडल के अंदर जो है दैट वी कैसे इंटरनल स्प्लिट जो है उसको रिमूव किया जा रहा है, उसके द्वारा क्या निकलेगा बच्चों, फिर CSF निकलेगा और ये आपकी लंबर पंचर निडल होगी। यस, दिस इज द LP निडल और इसकी साइज 22 गॉज की होती है। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि लंबर पंचर निडल का साइज क्या होता है, 20 से 22 गॉज की निडल हम यूज करते हैं बच्चों लंबर पंचर में। एक एवरेज डायमीटर और लेंथ बहुत जरूरी होता है, जब भी हम किसी पेशेंट का लंबर पंचर करते हैं देन यू शुड नीड टू बी नो एवरीवन एग्जैक्टली कितने गॉज की निडल यूज करते हैं अडल्ट में। मैं लिखा बच्चों 20 to 22 गॉज माय लविंग फाइटर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। अब सुधार किया आपने, क्योंकि नेक्स्ट निडल आया तो आपके पास भी ऑप्शंस खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, प्रायर टू लंबर पंचर, ध्यान से पढ़ना बच्चों, प्रायर टू लंबर पंचर ऑल ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट बाय द नर्स एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा है कि लंबर पंचर करने से पहले, लंबर पंचर करने से पहले डियर नर्सेस के द्वारा पेशेंट को एक्सप्लेन क्या करना, तीन सही होगा एक को छोड़ के, 3 things राइट होगा एक को एस्केप करके। प्रायर टू लंबर पंचर ऑल ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट बाय द नर्स एक्सेप्ट पूछा है। रॉन्ग वाले पॉइंट को फाइंड आउट करना बच्चों, दैट इंसर्टिंग ए निडल विल नॉट रिजल्ट पैरालिसिस। डियर नर्स पेशेंट को कह रही है कि निडल लगाने की वजह से आपको पैरालिसिस नहीं होगा, क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है। बीम लिखा, एनकरेज पेशेंट टू एम्प्टी बाउल एंड ब्लेडर, लंबर पंचर करने से पहले पेशेंट को बाउल और ब्लेडर को एम्प्टी करने के लिए एनकरेज करना है। सीम लिखा है टू मेंटेन हॉरिजेंटल पोजिशन ऑफ स्पाइन। और डीम लिखा, अलाउ द पेशेंट टू कफ विच इज डज नॉट कम। देखिए बच्चों, एक्सेप्ट पूछा है, सोच के आंसर लिखना, ट्रिकी जरूर है बट शानदार एमसीक्यू है। डेफिनेटली ABCD 4 में से 3 राइट होगा और एक जो है रॉन्ग होगा, हमें रॉन्ग कौन सा उसका पता लगाना बच्चों। कर दिया गड़बड़। मेंटेन हॉरिजेंटल पोजिशन ऑफ स्पाइन, अलाउ द पेशेंट टू कफ, अरे बदमाश बच्चों, पैरालिसिस नहीं होगा ये तो सही है, बाउल एंड ब्लेडर को एम्प्टी करते ये भी सही है, और कफ को हम अलाउ कर देते हैं ये भी सही है, कोई नुकसान नहीं है। बट कभी भी
हॉरिजेंटल पोजिशन स्पाइन के नहीं मेंटेन करते हैं, हॉरिजेंटल नहीं मेंटेन करते बच्चों, हम ड्यूरिंग और आफ्टर तो करते हैं सी शेप, सो ड्यूरिंग और बिफोर करते हैं सी शेप, ड्यूरिंग और बिफोर और आफ्टर करते हैं बच्चों सुपाइन पोजिशन, आफ्टर करते हैं सुपाइन पोजिशन। तो यहां पर जो सी है डज नॉट कम, सी जो है बच्चों डज नॉट कम, डज नॉट वी कैन से एक्सेप्टिंग, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। काफी बच्चों ने कोशिश अच्छी की, काफी बच्चों ने कोशिश अच्छी की बट कफ उनको आसान लगा, कफ नेवर डिस्टर्ब, कफ नेवर डिस्टर्ब। ओके फाइन, ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हॉरिजेंटल पोजिशन नहीं देते रहे बदमाश बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नया सवेरा, नया सवेरा, फन एंड लर्न विथ योर अकी सर। बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये एक्टिविटी आपको काफी पसंद आ रही होगी, इस एक्टिविटी से आप काफी कुछ माइनर माइनर पॉइंट को लर्न कर पा रहे होंगे और आपका फीडबैक, आपका कमेंट्स, आपका रिव्यू मैं जरूर पढ़ता हूं। मैं बताना चाहता हूं आप जो भी रिव्यू और कमेंट्स पुट करते हैं क्लास के बाद, आई ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, और इसीलिए फन और लर्न जो एक्टिविटी आपके लिए पुट किया जा रहा है, लगातार 6 दिन से 6 एपिसोड फिनिश हो गए, 6 डे से 6 एपिसोड फिनिश हो गए और कल आपको नया सवेरा में सुबह ठीक आठ बजे एक नया एपिसोड मिलेगा, और एक नया इनोवेशन है आपको और मजबूत बनाने का, आपको और स्ट्रांग बनाने का, और आपको अपने सपने तक तो लेके जाऊंगा बच्चों बट आपको नॉलेजेबल भी बनाऊंगा। आपको हर माइनर टू माइनर पॉइंट का पता होगा, रात को 2 बजे भी कोई उठा के आपसे पूछे कि व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम विच इज द मेजर इंट्रासेल्यूलर कैटायन, और मेरे बच्चे हंस के आंसर दें कि सर एग्जैक्टली यही होता है, रेगुलेटरी हार्मोन कौन है, है ना, एब्जॉर्ब उसका रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये वो पॉइंट्स है जो आपके सीएचओ में आते हैं, ये वो पॉइंट्स है जो आपके बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है, ये वो पॉइंट्स है जो आपको मेंटली बूस्टअप करेंगे। जब बेसिक आएगा तो थ्योरिटिकल पोर्शन और रैशनल वाले क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। तो ये कोशिश है नया सवेरा, फन एंड लर्न विथ योर अकी सर, और आई होप दैट एपिसोड विल बी एंजॉय। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द बॉन मेरो एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना बच्चों, एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द बॉन मेरो एक्सप्रेशन, नर्स वुड बी एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड हैव पेशेंट साइन ए कंसेंट फॉर्म। बीम लिखा, टेल द पेशेंट दैट नो एनेस्थेटिक कैन बी गिवन बिकॉज इट इंटरफेरेंस विद द क्वालिटी ऑफ द सैंपल, देन शो पेशेंट लोकेशन ऑफ द पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट वेयर द सैंपल विल बी टेकन, और डीम लिखा डिस्कस नीड रिमेन ऑन द बेड रेस्ट फॉर 6 to 8 hours आफ्टर प्रोसीजर टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। Which is the right answer, my loving future nursing officer? 4 options आपके सामने पुट किया है। As a part of preparation of the bone marrow aspiration, याद रखना, जब हम patient का bone marrow aspirate कर रहे हैं, तो aspirate करते समय, dear nurses would be, क्या जरूरी है इन चारों में से? कौन सा point जरूरी है इन चारों में से? That also will be asking in your competitive exam, बच्चों। क्या बात है? शाबाश। Which is the important parameter? और जब भी हम किसी भी प्रोसीजर को इन्वेजिव मोड में करते हैं, और इन्वेजिव का मतलब होता है something will inserting in your body, तो हमें वहां क्या जरूरी होगा? क्या बात है बच्चों, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर ए आंसर पुट किया जा रहा है, डेफिनेटली ए राइट होगा, क्योंकि कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन करवाना बहुत जरूरी है, कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन करवाना बहुत जरूरी है। यह क्या लिखा, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट हैव टू द साइन ए कंसेंट। एग्जैक्टली देखिएगा, कंसेंट लेने की जो अथॉरिटी होती है बच्चों, कंसेंट अथॉरिटी आपसे पूछे तो आपको आंसर लिखना सर्जन। कंसेंट की अथॉरिटी किसके पास होती है? सर्जन के पास। कंसेंट की अथॉरिटी क्या होता है? सर्जन के पास। डियर नर्सेज जो है वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करती। एक और बात का ध्यान रखना, जब भी हम बॉन मेरो एस्पिरेशन की बात करें तो यहां पर 2 क्वेश्चन बहुत कॉमन बनते हैं। यदि आपसे अडल्ट में पूछे कि बॉन मेरो एस्पिरेशन में
अडल्ट की साइट कौन सी आपसे पूछे तो आप लिखना पोस्टीरियर, ध्यान से देखना बच्चों, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि अडल्ट में बोन मैरो स्प्लिट करने की मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, और यदि आपसे पूछे चिल्ड्रन में, यदि आपसे पूछे चिल्ड्रन में तो बच्चों लिखना टीबिया। क्या लिखोगे? टीबिया बोन। टीबिया इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन मैरो स्प्लिशन इन चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अडल्ट में यदि आपको बोन मैरो स्प्लिशन करने की मोस्ट कॉमन साइट पूछे तो आपको लिखना है अडल्ट में पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। आप बच्चों की मोस्ट कॉमन साइट पूछे कि विच इज द मोस्ट कॉमन वेस्ट को वर्स्ट कॉमन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको टीबिया बोन लिखना है। और टीबिया जो है सेकंड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है, सेकंड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट वी कैन से टीबिया, दैट वी कैन से टीबिया। तो इस फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीएसएफ प्रेशर मेजर्ड बाय, सीएसएफ प्रेशर मेजर्ड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना कि सीएसएफ जो प्रेशर है वो किसके द्वारा मेजर करते हैं, किसके द्वारा मेजर करते हैं। लिखा है सिटी स्कैन के द्वारा, लिखा है बच्चों सिटी स्कैन के द्वारा। दूसरा लिखा है ग्लूकोमीटर के द्वारा, ग्लूकोमीटर के द्वारा। और तीसरा लिखा है एमआरआई, देयर इज अ मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। और डी में लिखा है लंबर पंचर, डी में लिखा है लंबर पंचर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन क्या कहता है कि सीएसएफ जो है प्रेशर, सीएसएफ का प्रेशर जो है वो मेजर किससे करते हैं, किससे मेजर करते हैं। छाप दिया मैनोमीटर को बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े, लिख दिया कुछ भी, मैंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखो रे बदमाश बच्चों, सोनाली ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन में कहाँ है मैनोमीटर, ये देखिए। ये वो एडिक्टेड बच्चे हैं जिन्होंने रट रखा है, जिन्होंने कहा है कि पत्थर को पत्थर बोलते हैं, इसको यही बोलते हैं, ऐसा रट्टा मार रखा है, और वो बदमाश बच्चे यार धोखा खा जाते हैं। अरे रट्टू तोता नहीं बनना बच्चों, रट्टू तोता नहीं बनना, समझना है, समझना है कि यह है तो क्यों है, रीजन क्या है, रैशनल क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा, सीएसएफ प्रेशर मेजर्ड बाय, कहीं पर भी नहीं लिखा है मैनोमीटर। और आप क्या बोलते हो, फाउंडर बन रहे हो, साइंटिस्ट बन रहे हो, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछे तो लिखना, बट ये ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन में कहा है। तो चारों में से कौन सा तरीका है, हम जब लंबर पंचर करेंगे ना तो यहां हम मैनोमीटर को यूज कर लेंगे, यहां हम मैनोमीटर को यूज कर लेंगे, बट ये चार ऑप्शन होगा तो चार में से राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपको समझना है, ये आपको समझना। बिल्कुल मैनोमीटर हमने जब आप सीवीपी पढ़ते, सेंट्रल वीनस प्रेशर पढ़ते, वहां पर भी यूज करते हैं, बट लंबर पंचर के द्वारा मैनोमीटर का यूज करेंगे तो मजा आएगा, तो मजा आएगा। तो इसीलिए ऐसे रट के आके कि पत्थर फेंकना है, चाहे सामने वाले को लगे नहीं लगे, मेरा तो काम है पत्थर फेंकना, मैंने तो फेंक दिया और खुश हो जाओ, बट निशाना सही जगह लगना चाहिए बच्चों। इसके लिए हमें सब्र करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है, हमें क्वेश्चन को पूरा समझना पड़ता है, तब मजा आता है। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, मैं लिखा ऑल्सो यूज इन स्पाइनल एनेस्थेसिया, हम लंबर पंचर स्पाइनल एनेस्थेसिया में भी यूज करते हैं, हम लंबर पंचर कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फॉर द डायग्नोस्टिक एग्जाम्पल सिटी, और वी कैन से सिटी माइलोग्राफी में भी हम लंबर पंचर का यूज करते हैं। कीमोथेरेपी ड्रग को यह डायरेक्टली स्पाइनल कैनाल में फुट करना है तो भी हम लंबर पंचर का यूज करते हैं, और इवन हम मेनिंजाइटिस के लिए सीएसएफ स्टडी करते हैं, और उसी के लिए भी हम क्या करते हैं बच्चों, लंबर पंचर, क्या करते हैं लंबर पंचर। तो बहुत जगह हम लंबर पंचर का यूज करते हैं, एग्जाम में किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पाइनल एनेस्थेसिया कैसे देंगे, लंबर पंचर के द्वारा देंगे। कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज, तो सिटी माइलोग्राफी हम करते हैं लंबर पंचर से, और कभी भी पेशेंट को स्पाइनल कैनाल के अंदर कीमोथेरेपी ड्रग को देना होगा तो हम लंबर पंचर के द्वारा एडमिनिस्टर करेंगे बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन अडल्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड एट द लोअर बॉर्डर, इनका स्पाइनल कॉर्ड जो है अडल्ट में कहां एंड होता है, अभी मैंने समझाया, ऑप्शन देखिए L1, L5, S2, S5 की जो स्पाइनल कॉर्ड है ये अडल्ट में कॉनस मेडुलरी, मैंने आपको पढ़ाया था, ये एंड कौन से लेवल पे होगा, ये एंड कौन से लेवल पे होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे, और बहुत आसान एमसीक्यू, बहुत ही आसान एमसीक्यू, या गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। क्या बात है, क्या बात, थैंक यू बबनदीप। इन अडल्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड, एंड का मतलब किनारा, एंड का मतलब किनारा, एंड कहां होगा, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों, दैट वी कैन से L1, मैंने ऑलरेडी आपको बताया L1। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, JNC जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुक्स है बच्चों, इन 5 बुक्स के अंदर थ्योरी नोट्स दिया हुआ कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट का, रिसर्च है, एडमिन है, एजुकेशन है, फार्मा है, माइक्रो है, वो सब कुछ है, जिसमें बेसिक है, एनक्लेक्स है,
पूरा इंग्लिश में नोट्स है, थ्योरी की बेस्ट बुक्स टीम ध्यान सिंह द्वारा प्रिपेयर की गई। इस बुक्स को आप घर बैठे मंगवा सकते हो और सिंपल तरीका है JNC की वेबसाइट पे जाना है www.jnc-jodhpur.com पे और आप इस बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। नहीं तो आप 9636036629 पे 1599 पेमेंट करके इस बुक को परचेज कर सकते हो और उसके बाद आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है और ये बुक्स अगले 6 to 7 days में आपके घर पहुंच जाएगी। अगले 6 to 7 days में आपके घर पहुंच जाएगी और आप JNC परिवार के मेंबर बन जाओगे क्योंकि JNC आपके द्वार चल रहा बच्चों, JNC आपके द्वार। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास में हमने कोशिश की कि लंबर पंचर पे बनने वाले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है और वी ट्राई टू लॉट सीखने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सच में बच्चों आपको क्लास पसंद आए, मजा आए, सीखने को मिले तो शेयर करना ना भूलें क्योंकि किसी और का भला करना भी अपनी जिम्मेदारी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो भटक रहे हैं, जिनको गाइडेंस की कमी है, आप गाइड कर सकते हो क्योंकि आप पिछले महीनों से JNC परिवार से जुड़ के अपने आप को कॉन्फिडेंट मिला, अपने आप ने आप खुद से पूछे। आज शाम को बेड पे जाने से पहले एक बार खुद से सवाल जरूर करें कि मैंने क्या सीखा है, मेरे अंदर क्या बदलाव आया। और बच्चों आपको आंसर मिलेगा, यू आर गोइंग टू बी मोर नॉलेजेबल, यू आर गोइंग टू बी डिसिप्लिन पर्सन, यू आर गोइंग टू बी सिंसियर पर्सन और आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपके दूसरों के प्रति सोच, जिंदगी में कुछ करने का सपना, इस तरह की एक्टिविटी आपके लाइफ में ऐड हो गई बच्चों और यही मेरा अचीवमेंट है। वो कोई कहते ना आपने किसी के लिए क्या किया, मैं बस आपको सही ट्रैक पे लाने में कामयाब रहा तो मेरे जिंदगी का अचीवमेंट है। जब आप ट्रैक पे आ जाओगे तो सफलता मिलना तय क्योंकि वन डे यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ विथ योर ड्रीम। तो कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सुबह 8 बजे मिलूंगा गुड मॉर्निंग JNCN के साथ जहां पर कुछ नया देके जाऊंगा, फिर कल शाम को 5 बजे डेली डोज में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखेगा, घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे, कभी उनको तकलीफ मत देना बच्चों, हो सके तो भला करना और उनको खुश रखेगा, सारी चीजें अपने आप आपके पास चली आएगी। तो अपना ख्याल रखेगा, कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।